हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में और जानेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो आपने बायोटिक और एबायोटिक, बेसिकली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा ही होगा। लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जो सांस ले सकती हैं, जो मोबाइल होती हैं, मोबाइल मतलब होता है जो चल फिर सकती हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंगी, बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे कि प्लांट्स कैसे कर चल सकता है। प्लांट्स भी मूवमेंट करता है, जब हवा चलती है तो उसकी टहनियाँ हिलती हैं, उसकी लीव्स हिलती हैं, तो वो भी एक तरीके की मूवमेंट ही होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बेसिकली मोबाइल होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, दूसरा वो सांस ले सकते हैं, वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग वो होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, मिनरल्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स चल सकती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स चल नहीं सकती। जैसे कि ह्यूमन है, एक लिविंग है, वो सांस ले सकता है, वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सपोज़ करो आप ही लोग हो, आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हो, आ पा रहे हो, इसी को बोलते हैं मूवमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं बट नॉन लिविंग नहीं कर सकता। अब कोई स्टूल है या टेबल है, वो चला जाएगा घर से स्कूल या स्कूल से घर, नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लिविंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और नॉन लिविंग को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते हैं और खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। कभी आपने देखा है स्टूल या टेबल या आपका पेन कभी कुछ खाना खा रहा हो या कुछ ले रहा हो? नहीं होता ना ऐसा। तो जो लिविंग होते हैं उन्हें प्रोसेसेस करने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, या लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनर्जी की ज़रूरत होती है लिविंग को, नॉन लिविंग को नहीं होती है। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है, लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जीविक हैं, वो जो हैं वो बढ़ते भी हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है 5 साल का, फिर धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है और 18 साल में वो एक फुल मैन या वुमेन, ह्यूमन बन जाता है। तो उसकी जो साइज़ है वो ग्रो करा ना, तो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। सपोज़ करो कि जैसे दो ह्यूमंस हैं, उनके बच्चे आप लोग हों, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, तो उनके बच्चे आप हो, तो उन्होंने क्या करा, एक तरीके से रिप्रोड्यूस करा है। अब कल को हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, जब हमारी शादी होगी, तो फिर हमारे भी बच्चे होंगे, तो हम भी क्या कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी एलिफेंट का एग्जांपल ले सकते हो, एलिफेंट का जो बेबी होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसा होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती है, मरते भी हैं वो लोग। एक पॉइंट आता है जब हम बोलते हैं कि हम ओल्ड हो गए हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है, या किसी एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है, या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होती है, नॉन लिविंग की डेथ नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब वही है कि वो चल फिर नहीं सकते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चल फिर सकते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करते हैं, सांस लेना और छोड़ना वो नहीं करते। कभी आपने देखा नहीं होगा कि आपका पेन सांस ले रहा है या आपकी कॉपी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो सिर्फ लिविंग ही कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स अडैप्ट टू देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लिविंग थिंग्स जो हैं अपने वातावरण के अकॉर्डिंग
ढल जाते हैं जैसा वातावरण होता है। अगर कहीं गर्मी का माहौल है तो वो गर्मी में भी एडजस्ट हो जाते हैं, और अगर बहुत ठंड है तो उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्टिमुलस होता है कोई भी उत्पीदक, एक्चुअली मैं गलत बोल रही हूँ, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो बेसिकली जो स्टिमुलस होता है कोई भी एक सब्सटेंस जिसको देख के हम एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गर्म कॉफ़ी का कप है, मैंने उसे टच करा और टच करते के साथ मैंने अपना हाथ वापस ले लिया। तो बेसिकली वो क्यों लिया, क्योंकि वो स्टिमुलस था, जब मैंने टच करा उससे मैं बर्न होने वाली थी, एकदम से मैंने अपना हाथ वापस कर लिया। तो ये लिविंग थिंग्स स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आपने देखा ही है कि लाइफ प्रोसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं अपनी लाइफ में, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाने को पचाते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रक्रिया हम करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। सो बेसिकली ये सारे फंक्शंस करने के बाद हम जीवित रह सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, चाहे वो सांस लेना हो, खाना पचाना हो, खाने को खाना हो, ठीक है, या फिर हमारी ग्रोथ हो, हमारी मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइफ का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है, जो ह्यूमन की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेसेस हेल्प करते हैं। दोबारा मैं बोल देती हूँ एक बार, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो ह्यूमन को लाइफ को जीने के लिए हेल्प करते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, खाने को पचाना हो, मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, हर चीज़ इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँ, लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NCERT GM, ठीक है। N फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है खाने को अंदर लेना, खाना खाना इज़ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप बाथरूम में नहा रहे हो, तो एक हाथ आपका फेस पे होता है और एक लेग पे होता है, ऐसे तो नहीं नहाते आप, आपके जो दोनों हाथ है या तो वो दोनों गाल पे एक साथ मूवमेंट कर रहे होंगे या तो वो लेग्स पे मूवमेंट कर रहे होंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, आपकी चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में चल रही है। इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, एक फुल चैप्टर है इसके बारे में, ठीक है। तो इन अभी के लिए बस इतना ही है कि चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शॉपिंग मॉल जाती हूँ और मुझे मिल्क के पैकेट खरीद रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने शॉपिंग मॉल गई, बिग बाज़ार, मैंने वहाँ पर देखा मिल्क के पैकेट्स रखे हुए हैं। मिल्क जैसे ही मैंने देखा तभी मेरे हाथ ने रिस्पॉन्स करा कि मैं उसको उठा लूँ, तो मेरी आईज़ और मेरे हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुई, मैंने देखा और पैकेट उठा लिया। तो यही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन, मतलब होता है जितना भी वेस्ट है आपकी बॉडी का, आपने खाना खाया, पचा भी लिया, अब उसको बाहर भी तो निकालना होता है ना, ठीक है, वरना क्या होगा, बहुत ही दिक्कत हो सकती है। सपोज़ करो एक रूम है, उसके अंदर एक इंसान खाता जा रहा है, कूड़ा वहीं पे फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रूम पूरा भर जाएगा और खाना अपने आप जहाँ से भी उसे जगह मिलेगी वो निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर आप खाना खाते जा रहे हो और अब आप एक्सक्रीट नहीं कर रहे हो, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो,
तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो डिसफंक्शनिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो ढंग से काम नहीं करेगी। ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे कि आपके पेट में एसिडिटी होने लगेगी, आपको वॉमिटिंग आने लगेगी, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना खाना। तो इसीलिए एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें। फिर है रिप्रोडक्शन, जो कि मैं बता चुकी हूँ, टू गिव अ बर्थ टू अ यंग वन, एक नए जीव को जन्म देना, एक नए बच्चे को पैदा करना, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये सिर्फ लिविंग कर सकते हैं। फिर है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ही नहीं होता, इसका और भी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम वो फ्यूचर की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ सकते हो, जो हम ब्रीद इन सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया तो वो जो खाना आपके ब्लड में मिक्स हो गया है वो आपकी पूरी बॉडी पे पहुंचाना, ठीक है, पूरी बॉडी के हर एक कोने तक उस खाने को पहुंचाना, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है, दिल है, किडनी है, लंग्स हैं, ये ढंग से काम कर सके। ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, खाना या ऑक्सीजन वो आपकी बॉडी से एक जगह से बाकी सारी पार्ट में फैल जाती है, और वो कौन फैलाता है, आपकी नसें, जो नसें होती हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, आपका खाना और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है और फिर वो पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ, ग्रोथ हमारी टाइम टू टाइम होती रहती है, जैसे हम 5 साल के थे 18 साल में वैसे नहीं दिखते, हमारी फिंगर्स ग्रो करती हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली ग्रोथ में आती है। तो ग्रोथ में बेसिकली आती है क्वांटिटी में डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, उसको मापा जा सकता है। इसमें आपका आएगा हाइट, या फिर आपका आ गया वेट, आप हाइट और वेट को माप सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट, मूवमेंट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वही आपकी क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है। तो गाइज ये प्रोसेसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी न्यूट्रिशन। कह रहे न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना। ठीक है, और खाने से हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी एनर्जी। अगर हम खाना खाएंगे, सिंपल न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को अंदर लेना, आपके माउथ के थ्रू जब आप खाने को अंदर ले लेते हो उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस करे थे अभी, ये इन सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें खाने की नीड होती है, हमें एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम खाना खाएंगे। तो इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर खाना, ठीक है, खाने को खाना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, जिसकी वजह से हम लाइफ प्रोसेसेस को कर पाते हैं। नेक्स्ट बता रखा है कि इसके अंदर आपके होते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि दो मोड्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के। पहला मोड जो है वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और वो अपना खाना किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, पानी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मौजूद होता है पत्तियों में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया।
नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉफिक वो एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, खुद नहीं बना सकते अपना खाना. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अब जैसे पेड़ है, पेड़ जो है अपने बेसिकली ट्री पे फ्रूट्स उगते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वो जो फ्रूट्स उग रहे हैं वो दूसरों को तो देता ही देता है, वो खुद भी खा लेते हैं वहाँ से. तो प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसको किसी की नीड नहीं होती. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. किस पे डिपेंड होंगे? प्लांट पे डिपेंड होंगे और एनिमल्स पे डिपेंड होंगे. प्लांट से क्या मिलेगा उन्हें? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. और एनिमल्स, जैसे कि आपने देखा ही है कि कई लोग मीट खा लेते हैं, तो वो भी एक तरीके का भोजन ही है. तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, और जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. अब हेटरोट्रॉफिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. हेटरोट्रॉफ्स के कितने पार्ट्स हैं? उसके मेनली तीन पार्ट्स हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स. कार्निवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, जैसे आपका टाइगर और लायन और भी होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है. हर्बीवोरस आपके वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ओनली प्लांट्स. जैसे काओ, काओ हमेशा क्या खाएगी? प्लांट्स को खा लेती है. डियर क्या खाता है? वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. ओमनिवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों खा लेते हैं. प्लांट मिल गया, प्लांट भी खा लेंगे, एनिमल्स मिल गया, एनिमल्स भी खा लेंगे. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स प्लांट से भी चीज़ें खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है. तो कार्निवोरस वो जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, ओमनिवोरस वो जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से होता है? तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट को चार चीज़ें चाहिए और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेगा. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट. ये चार चीज़ें अगर प्लांट्स को मिल जाए तो वो अपना खाना खुद बना सकता है. तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा विद द हेल्प ऑफ क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो इसका बेसिकली पूछा जाता है कि किस तरीके से, किस मात्रा में जुड़ के वो बनता है. तो आपको ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कार्बन डाइऑक्साइड H2O को जब हमने जोड़ा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और हमारा क्या बना? ग्लूकोस. ग्लूकोस मतलब खाना, ठीक है. 6C12O6, ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है. और जो वेस्ट प्रोडक्ट में प्लांट निकालता है वो निकालता है ऑक्सीजन. सो बेसिकली प्लांट्स को चाहिए दो चीज़ें, एक तो CO2 H2O और सूरज की रोशनी जो उसको ऊपर से मिल रही है, और प्लांट में क्लोरोफिल होना चाहिए. फोटोसिंथेसिस के नीचे यहाँ पर क्लोरोफिल भी आएगा, आपकी बुक में दे रखा होगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाएंगी तो वो बनाता है ग्लूकोस और ऑक्सीजन, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, वो ये हैं कि प्लांट मेक ग्लूकोस बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या बना रहा है? ग्लूकोस बना रहा है, ठीक है. ग्लूकोस मतलब खाना, ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ सेंट टू, और ये जो खाना है वो प्लांट के हर एक कोने तक पहुंचा दिया जाता है, हर एक हिस्से तक, चाहे वो लीव्स हो जाए, स्टेम हो जाए, रूट हो जाए, हर जगह तक पहुंचाया जाता है ये खाना.
द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर, जो ग्लूकोज ज़्यादा होता है वो सेव कर लिया जाता है, और वो सेव किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। अब बच्चे पूछेंगे कि स्टार्च क्या होता है, तो जब टू और मैनी ग्लूकोज, जब एक या एक से ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ मिलते हैं तो वो बनाता है स्टार्च। सो बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में, ठीक है। और फिर प्लांट को जब ज़रूरत होती है तो वो इस बचे हुए खाने से अपनी एनर्जी को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये स्टार्च कहाँ पर सेव होगा, कहाँ पर खाना स्टोर करके रखा जाएगा, वो दो जगह होती हैं, फ्रूट्स और लीव्स में, ठीक है। तो हम समझ गए कि प्लांट ने पहले ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बनाने के लिए उसको चार चीज़ें चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, फिर उससे बन गया ग्लूकोज। अब जब दो या दो से ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएंगे तो बन जाएगा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, एक तरीके की तिजोरी है जिसमें प्लांट अपना खाना रख रहा है। वो क्यों रख रहा है, कि जिस दिन वो खाना नहीं बना पाया तो ये स्टोर करा हुआ खाना उसके काम आ जाएगा। और ये स्टोर, ये तिजोरी कहाँ पर मौजूद होती है, ये दो जगह मौजूद है, वो है फ्रूट्स और लीव्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। अब दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स इसका मतलब क्या है, कि खुद तो अपना खाना बनाता बनाता है, बाकी एनिमल्स के लिए भी खाना बनाता है। जैसे एक पेड़ है आम का, तो उस पर आम लटक रहे हैं, तो ह्यूमन भी उसको तोड़ के खा सकता है ना। या पोटैटोज उग रहे हैं, ठीक है, तो टमाटोज हैं, तो हम ये लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज़ें प्लांट से लेते हैं, प्लांट अपने लिए तो बना ही रहे, खुद तो खा ही रहे, और फिर हम उससे लेके खुद के लिए भी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरे कलर का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स में होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं हरे कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि प्लांट के पत्तियों में होता है। और ये क्या करता है, ये जितनी भी सूरज की किरणें हैं ना उसको स्टोर करता है, उसको ट्रैप करता है, ताकि उसको वो पकड़ ले और प्लांट अपना खाना बना ले। तो प्लांट की पत्तियों में होता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इसका काम क्या है, सूरज की रोशनी को ट्रैप करना, और फिर उसकी हेल्प से प्लांट अपना प्रोसेस करेगा, और वो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोमेटा के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा बेसिकली है कि स्टोमेटा जो है स्टोमा वर्ड से निकला है, स्टोमा का प्लूरल है, ठीक है, स्टोमा से बना है स्टोमेटा, ठीक है। सो बेसिकली स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे छेद जो पेड़ की पत्तियों में होते हैं और उसकी स्टेम में होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद जो पेड़ की पत्ती और स्टेम में होते हैं उसे बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा की वजह से हम क्या कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। गैसेस का एक्सचेंज मतलब प्लांट को चाहिए थी CO2 ताकि वो खाना बना सके, और जब खाना बन जाता है तो वो क्या निकालता है, O2। तो ये जो गैस अंदर आएगी और O2 बाहर जाएगी, वो इन छोटे छोटे छेदों से जाती है, ठीक है, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, पत्तियों में, और उन छोटे छोटे छेदों का नाम है स्टोमेटा। इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक में होगा, स्टोमेटा का डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पेपर में 100% आता है, ठीक है। ये गार्ड सेल होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको कि इस तरीके से राजमा की शेप में होते हैं। अगर ये ओपन है, बीच का दिख रहा होगा आपको, सेंटर पार्ट खुला हुआ है, ये ओपन है, और इस समय ये जो बंद हो गया है ये क्लोज्ड है। इसका खुलना और बंद होना कंट्रोल करता है गार्ड सेल। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये खुला रह गया ना तो जितना भी पानी है वो सब बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, तो वो खुद ही
प्लांट अपने अकॉर्डिंग उसको बंद करता है और खोलता है, इस प्लांट के कंट्रोल में होता है स्टोमेटा। तो गार्ड सेल क्या होते हैं, किडनी की शेप में होते हैं, ठीक है, दैट सराउंड द स्टोमेटा, स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं और ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी ये खुल रहा था और ये वाला बंद है, तो इसको खोलना और बंद करना ये गार्ड सेल का काम होता है, ठीक है, और इन्हीं के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा।